क्या आप भी चाहते हैं आपका इडली डोसा उत्तपम का बैटर बिल्कुल इस तरीके से फर्मेंट हो, फूल कर एकदम डबल हो जाए और उससे आप डोसा भले इडली या उत्तपम बनाएं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बने? तो आज मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कोई गलती नहीं होगी। दो अलग अलग तरीक़ों से हम उत्तपम बनाएंगे और इसी बैटर को यूज़ करके आप इडली या डोसा भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। इडली डोसा या फिर उत्तपम बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं चावल और उड़द की दाल। जितनी आप उड़द की दाल लेते हैं उससे तीन गुना आपको चावल लेना होता है। आप इडली वाला चावल यूज़ करें या फिर जो राशन के सस्ते चावल आते हैं उससे बहुत ही अच्छे सॉफ्ट इडली उत्तपम और डोसा बनके तैयार होते हैं। इसके साथ मैंने थोड़ा सा इसमें पोहा भी डाला है। तो अगर आप एक कटोरी या फिर एक कप उड़द की दाल ले रहे हैं तो आपको तीन कटोरी या फिर तीन कप चावल लेने होंगे। तो जितनी भी क्वांटिटी दाल की है उससे तीन गुना आपको लेने हैं चावल। और अगर मैं पोहे की क्वांटिटी बोलूँ तो बस आप ऐसे मुट्ठी भर थोड़े से डाल दें, उससे ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट इडली डोसे और उत्तपम बनकर तैयार होते हैं। इन चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से धो लेना है सबसे पहले, जब तक साफ पानी नहीं आ जाता, और फिर इसे कम से कम 4, 5, 6, 7 जितने भी घंटे आपके पास हैं उतने देर आपको भिगो कर रखना है। कम से कम 4 घंटे भिगोएं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो और भी बढ़िया रहेगा। भिगोने के बाद आपको रात के समय पर, मतलब अगर आप सुबह में नाश्ता बनाना चाहते हैं तो रात के समय पर इसे इस तरीके से पीस कर रख लें। अगर आप इडली बना रहे हैं तो बिल्कुल महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है, बट आज मैं यहाँ पे उत्तपम बनाने वाली हूँ इसलिए हमारा जो बैटर है बहुत पतला होना चाहिए। पतले से मेरा मतलब है कि पीसा हुआ अच्छा होना चाहिए, बीच में कोई भी दाने या कणी नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से पीस लिया है। एक दूसरे बर्तन में इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जो हमारा जग है जिसमें मैंने इसे पीसा है उसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें डाल देंगे। अब अगर फर्मेंटेशन के टिप्स आपको मैं बताऊं तो गर्मी के मौसम में हमारा जो आटा है अच्छे से फूलता है, जल्दी फूलता है, जल्दी फर्मेंट होता है, लेकिन ठंडी में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए जिस पानी को आपने दाल या चावल भिगोने में यूज़ किया है वो ना फेंकें, अगर मौसम सर्दी का है तो उसे ही इसके अंदर डालें और मिक्स करें। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो वो पानी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली इसे इस तरीके से पीस लें और फिर हमें इसे भिगो कर रखना है। तो याद रखें जो भीगा हुआ पानी है वो फर्मेंटेड रहता है, सर्दी में उसे यूज़ करें और गर्मियों में ना करें। पीसने के बाद इसे अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है और फिर इसे ढक कर रख देना है पूरा ओवरनाइट। रात भर आप इसे ढक दें। तो 4 या 5 घंटे दाल चावल को भिगोने के बाद उसको पीस कर कम से कम ओवरनाइट या फिर 8 घंटे उसे इस तरीके से रखने के बाद ये बहुत अच्छा फर्मेंट हुआ है। टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि अगर गर्मी है तो आप वो पानी फेंक सकते हैं जिसमें आपने दाल चावल भिगोई थी, लेकिन सर्दियों का मौसम है तो आप वो पानी ना फेंकें और कोशिश करें कि इस आटे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर गर्माहट हो। गर्मी मिलेगी इस आटे को तभी अच्छी तरीके से फूलेगा। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से गर्मी मिली है, बिल्कुल स्पॉन्जी हो गया है, हल्का हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है इडली डोसा और उत्तपम बनाने के लिए। तो अब इसमें हम वो चीज़ें डालेंगे जिसकी हेल्प से हमें इसमें उत्तपम बनाना है। बैटर जब अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाता है तो उसके बाद भी मैं नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि नमक की वजह से हमेशा फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। मतलब अगर आपने रात में ही इसमें नमक डाल दिया तो अच्छे तरीके से आटा नहीं फूलता है। लेकिन एक और चीज़, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको रात में ही नमक डालना चाहिए ताकि सुबह तक आटा कुछ ज़्यादा ही ना फूल जाए और ख़राब ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। अब दो तरीके से आपको उत्तपम बनाने वाली हूँ। तो हमने जो मिक्सचर है उसे अलग अलग कर लिया है। एक यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और नमक ऐड किया है क्योंकि नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। पानी जो है आप अपने हिसाब से इसमें और ऐड करें। जो हमारा आटा था, जो बैटर था, बहुत थिक था, वो इडली के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको डोसा या उत्तपम बनाना है तो उतना मोटा बैटर नहीं अच्छा लगता। आपको इसे पतला करना है। कंसिस्टेंसी आपने दिख ली, जैसी वीडियो में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल वैसी ही रखें। फिर एक तवा ले लें, उसके ऊपर अच्छे तरीके से तेल स्प्रेड करें और उसके बाद में एक करछी लेके आप इसका एक मोटा सा डोसे जैसा, उत्तपम जैसा फैलाएं। अब इसके ऊपर से आप अपने मनपसंद की कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली उत्तपम में कैप्सिकम बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ प्याज, टमाटर और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा एक
यू नो पिज़्ज़ा टाइप फ्लेवर आता है जब हम ज़्यादा सब्ज़ियाँ यूज़ करते हैं, इस तरीके से डाल दें। इस सारे प्रोसेस में आपको जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। अगर आपने हाई फ्लेम रखा तो ये नीचे से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। जब ये एक तरफ से थोड़ा हल्का पक जाए तब हम इसे पलटी करेंगे। अगर आपका तवा नॉनस्टिक नहीं है तो आप तेल ज़्यादा डालें, उसी से ये अच्छी तरीके से निकलेगा। लेकिन अगर तवा नॉनस्टिक हो तो आप कम तेल में भी इसे अच्छे तरीके से अलट पलट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा यूज़ किया है तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया है तवे से, और मैं इसे पलट देती हूँ। पलटने के बाद भी जब तक ऊपर से हल्की हल्की क्रंची ना हो जाए सब्ज़ियाँ, तब तक आप इसे इसी तरीके से पकाते रहें, और उसके बाद में फिर से पलटी करके देखें। हल्का हल्का काला काला रंग आ गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। खुशबू इस वक्त बहुत बढ़िया आ रही है। इसे मैं नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ये प्रोसेस थोड़ा सा झंझट वाला लगता है, सब्ज़ियाँ काट के रखना, एक एक दूसरे के ऊपर फैलाना। तो एक और सिंपल सा तरीका है जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदारी उत्तपम बनते हैं, तो चलिए वो वाला तरीका भी हम देख लेते हैं। उस तरीके के लिए यहाँ पे मैंने मिक्सचर अलग कर लिया है। जो भी सब्ज़ियाँ हमें यूज़ करनी है वो डायरेक्टली हमें बैटर के अंदर डाल देनी है। ये देखिए, ऐसे ऐसा करने से डोसा आसानी से बन जाता है। मतलब आपको घड़ी घड़ी ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जितने आपको उत्तपम डोसे बनाने हैं उतना आपने बैटर मिक्स करके रख लिया। और देखिए कंसिस्टेंसी, फिर से मैंने आपके सामने पानी ऐड करके ठीक की है, क्योंकि वो बहुत थिक था। अगर थिक होगा तो तवे पे अच्छे तरीके से फैलेगा नहीं और उत्तपम जो है वो अच्छे से नहीं बनेंगे। दोबारा डोसा बना रहे हैं तो फिर से अच्छी तरीके से ग्रीस करें तवे को, तेल लगाने के बाद पानी छिड़कें, और फिर उसके बाद में डोसा बैटर को या फिर उत्तपम के बैटर को इस तरीके से फैलाएं। वैसे कंपैरेटिवली उत्तपम इजी होता है, टेम्परेचर का ध्यान हमें नहीं रखना पड़ता, लेकिन जब हम डोसा बनाते हैं तो हमारा तवा जो है अच्छा गर्म होना चाहिए, और उसके बाद में पानी छिड़क के फिर आपको डोसा फैलाना होता है। अगर नहीं पता है आपको कि डोसा किस तरीके से फैलाया जाता है तो उसकी भी एकदम डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसके अंदर बबल्स आए हैं, क्योंकि हमारा बैटर बहुत अच्छा बढ़िया बना है। जब आप इसके ऊपर डोसा या उत्तपम के लिए बैटर फैलाते हैं तो तुरंत से ही फूलने लगता है, वो इसलिए क्योंकि फर्मेंटेशन अच्छी से हुई है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि फर्मेंटेशन गर्म जगह पे अच्छे तरीके से होता है तो आप वो करें, और पानी ना फेंकें जो फर्मेंटेशन वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे भिगोने का टाइम दें, अच्छे तरीके से पीसें। तो यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप याद रखते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होती। और जो क्वांटिटी दाल और चावल की मैंने बताई थी वो भी उसी तरीके से डालें तो टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है। तो यही थी सिंपल सी रेसिपी उत्तपम की। इसी बैटर को यूज़ करके आप डोसा बनाएं या फिर इडली बनाएं, बैटर की रेसिपी बिल्कुल सेम है, आगे की चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं हर एक के कमेंट का जवाब देती हूँ। अगर आपके बनाने में कोई भी गड़बड़ होती है, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करते हैं फिर भी ठीक से नहीं होता है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर मुझसे पूछें। सबके कमेंट्स का जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।